लॉकडाउन में किसानों को मिले 18,700 करोड़ रुपए, नहीं मिले पैसे तो नई लिस्ट में ऐसे करें अपना नाम चेक। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाई संबंधित हर अपडेट के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, दूसरी राहत पैकेज की घोषणा हो चुकी है। इसमें किसान भाइयों के लिए आपका 70,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस लॉकडाउन साथ ही कोरोना महामारी की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, साथ ही ऊपर से टिड्डू का अटैक भी हो चुका है। इसीलिए सरकार विचार कर रही है कि कई राज्यों में आपकी कर्ज माफी की जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्यों में कितनी कर्ज माफी है वो किसानों की होने वाली है, साथ ही आपकी कब तक ये कर्ज माफी होगी पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार किसान भाइयों से संबंधित किसी भी योजना की जानकारी होती है या आपकी कर्ज माफी संबंधी जानकारी होती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो पूरा खबर हम देख लेते हैं कि कब तक किसान भाइयों की कर्ज माफी होने वाली है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के अलावा देश में इस समय टीडी गैंग ने आतंक मचाया हुआ है। फसलें बर्बाद होने के कारण किसान चिंता में है। कई राज्यों में टीडी गैंग के आतंक की खबरें आ रही। इस बीच के अंदर सरकार ने किसान को एक बड़ी राहत देने जा रही है। यानी दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार किसान को बड़े पैमाने पर कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है। सूचना के मुताबिक सरकार किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों में आपके विभिन्न बैंकों में आपके 50,000 रुपए से लेकर है वो 3,00,000 रुपए तक का आपका कर्ज है वो सरकार माफ कर सकती है। सरकार के सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के लिए पहले चरण में 25,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है। किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। बता दें कि देश का किसान इस समय कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से परेशान था। अब पाकिस्तान से आई टीडीओ ने देश में बड़े पैमाने पर आपका फसलों को चौपट कर दिया है। इस समय किसानों पर कुदरत का तोरफ आपका है मार पड़ रही है। इसीलिए किसानों के लिए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। लॉकडाउन के चलते फल सब्जी की मांग बहुत कम हो गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। थोक बाजार में कृषि उत्पादों के दाम 30 से 40% तक गिर गए हैं। प्याज टमाटर के उत्पाद किसानों का बुरा हाल हो चुका है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों को दोस्तों यहाँ है कुछ राहत दी जाए, यानी उनकी कर्ज माफी की जाए। थोक मंडी में प्याज 500 रुपये क्विंटल के आसपास चल रहा है, जिसके किसानों की लागत तक नहीं वसूली जा रही है। वही दोस्तों, टमाटर आपके 2 से 3 रुपये किलो है वो किसान बेच रहे हैं। इस हालात को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के हक में कर्ज माफी का फैसला लेने को सोच रही है। साथ ही किसानों के लाखों के कर्ज को माफ कर सरकार उन्हें लॉकडाउन में महामारी के नुकसान में बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपका कितना लोन बकाया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि आपका लोन है वो माफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि कुछ ही आपके किसानों का, साथ ही कुछ ही राज्य में आपका है, सरकार लोन माफ करे। केंद्र सरकार की शुरू की गई किसानों पर फोकस योजना, यानी दोस्तों जो भी आपकी कई योजना है किसानों के लिए सरकार शुरू कर रही है, जिसमें आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें किसानों को सीधे तौर पर आपका है यहाँ लाभ दिया जा रहा है। यानी 6,000 रुपये आपको सालाना है वो 3 किस्तों के माध्यम से दिया जा रहा है। पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20,00,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में एक बड़ा हिस्सा किसान, खेती और इससे जुड़े धंधों के लिए किया गया था। दोस्तों, आपका कितना लोन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, नए वीडियो में फिर किसानों की संबंधी खबर लेकर हाजिर होंगे। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।